धार शहर में कोरोना वायरस संक्रमण की दहशत के बीच अब लोगों को चोरों का भय भी सताने लगा है। पिछले तीन दिनों से शहर के धारेश्वर मार्ग, मल्लूसा बावड़ी क्षेत्र, मारुतिपुरा में लोग रात रात भर जाग कर रखवाली कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पुलिस इसे अफवाह मानकर लोगों को घरों में रहने की नसीहत दे रही है। सूचना पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्होंने गश्त कर रहे युवकों के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए धारा 188 में कार्रवाई करने की बात कही, जिससे क्षेत्र के लोगों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने धार पुलिस थाने के वाहन को घंटों रोक कर रखा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उनका चोरों से सामना भी हुआ। हथियारबंद बदमाशों को देखकर उन्होंने हल्ला मचाया तो चोर फरार हो गए। तीन दिनों से आ रहे हैं, हमने पुलिस को कॉल किया था, मतलब परसों भी कॉल किया था कि आप लोग आइए हमारी हेल्प के लिए, तो पुलिस बोलती है कि अफवाह है और आप लोग अपने दरवाजे खिड़की लगा के घर में सो जाइए। तो हमने बोला कि हमने हाथों से पकड़ने दौड़े हैं और प्रत्यक्ष देखा है, फिर भी पुलिस ने हमारी बात नहीं मानी, हमारा कोई सपोर्ट नहीं किया। हमारे क्षेत्र के 50 से 60 लड़के डेली पूरी रात जगते हैं सुबह 6 बजे तक, और वो चोर पकड़ने, आज जब मैंने आंखों से चोर देखा मेरे घर के पास आ गए, मैंने देखा, सबको दिखाया, पर लड़के सब कूद गए उनको पकड़ने के लिए। पुलिस को कॉल किया तो बोले ये तो अफवाह है, आप लोग सो जाइए घर में, कोई चोर वोर नहीं है। फिर इनके जवान आए कुछ और लड़कों को गाली दी कि तुम पर ही कार्रवाई करेंगे, तुमने चोर क्यों पकड़ने कूदे, और तुम पर हम 128 धारा में कार्रवाई करेंगे। और मेरे को बोले कि रोज चोर तुमको ही दिखते हैं, क्या तुम पागल हो गई हो? तो मैंने बोला मैंने अपनी आंखों से देखा है चोर, और आज पूरे मोहल्ले वालों ने देखा है, झूठ नहीं बोल रहे हैं। और हमारे पुलिस द्वारा हमारे कोई हेल्प नहीं दी जा रही है, और वो खाना भी लाते हैं और यहीं पर बैठ के खाते हैं। सुबह जब हम जाते हैं खेतों में तो प्याज और रोटी वगैरह मिलती है, नाइट में बैठ के वो खाते हैं। और परसों 3 फायर भी किए थे उन्होंने, और हमने 3 चोर पकड़े भी थे, पर हमारे हाथों से वो छूट गए, क्योंकि हम लेडीसें थी और जेंट्स दूसरी जगह चोर पकड़ने गए थे, इस कारण वो छूट गए।